हेलो, वेलकम टू माय YouTube चैनल। सो दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे कि मैंने ये वाला फोटो किस तरह से एडिटिंग किया है और इसका जो भी बैकग्राउंड एंड पेंसेस होगा वो आपको हमेशा की तरफ डिस्क्रिप्शन में फुल लिस्ट में मिल जाएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना क्योंकि मैंने जो ये वाला फोटो एडिटिंग किया है एकदम पूरी डिटेल के साथ बताया हुआ है इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना और लाइटरूम का काम ठीक से देख लेना। आप चाहे तो स्टेप बाय स्टेप स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं ताकि बाद में देख कर सकते हो एडिटिंग। तो अगर हमारे चैनल पे कोई नया है तो अभी के बीच और बैकग्राउंड पीएनजीज के साथ मेरा डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, अगर आप चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि आप देख सके कि मैं किस तरीके का एडिटिंग करता रहता हूँ। तो आइए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो अगर सबसे पहले लेना पड़ेगा आपको ये वाला बैकग्राउंड जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद हम जाएंगे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद हम यहाँ पर मॉडल वाला पिक ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों, मैंने कुछ इसी पोज में फोटो क्लिक किया था। आप चाहे तो किसी भी पोज में फोटो क्लिक करके यहाँ पर ऐड कर सकते हो। और अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करने नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को देख कर आप सीख सकते हो कि बैकग्राउंड किस तरह से रिमूव किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने सेकेंड वाला मॉडल वाला पिक ले लिया, तो इस मॉडल वाला पिक को भी यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों, आप किसी भी पोज में फोटो क्लिक करके यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो उसके बाद हम जाएंगे थर्ड मॉडल के लिए ऐड फोटो में। ऐड फोटो में आने के बाद हम इसको रोटेट कर लेंगे। तो मैंने एक ही बार फोटो क्लिक किया था, दो बार नहीं किया, तो इसीलिए इसको रोटेट करना पड़ा। आप चाहे तो किसी भी पोज में फोटो क्लिक करके यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो अभी हम यहाँ से कर देंगे सीधा सा डन। यहाँ से डन करने के बाद हम जाएंगे फिर से ऐड फोटो में। तो अभी कुछ पिक ऐसा है, तो अभी हम जाएंगे फिर से ऐड फोटो में। देन हम लेंगे स्मोक वाला पीएनजी एंड इसको यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं ठीक से एडजस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा अभी। ठीक है, अभी यहाँ पर हम जाएंगे इरेजर वाला आइकॉन में। तो यहाँ से इरेजर वाला आइकॉन में जाने के बाद हार्डनेस को कम करेंगे, ऑपोसिटी को कम करेंगे, साइज को छोटा करके यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर देंगे ताकि देखने में एकदम रियलिस्टिक सा लुक आए। तो अभी हम यहाँ से डन कर देंगे। यहाँ से डन करने के बाद हम जाएंगे फिर से ऐड फोटो में एंड हम फिर से सेम टू सेम पीएनजी लेंगे, स्मोक वाला पीएनजी फिर से लेंगे एंड इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे इस तरफ। ये वाला रोटेट एक बार और ये वाला रोटेट एक बार। ठीक है, अभी हम इसको रोटेट कर लेते हैं यहाँ पर लेफ्ट तरफ और यहाँ पर अपने हाथों के ऊपर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर ऐड करने के बाद हम यहाँ से जाएंगे सीधा सा इरेजर वाला आइकॉन में। देन यहाँ से इरेजर वाला आइकॉन में जाने के बाद हम जो पहले किया था वही करेंगे सेम टू सेम। तो यहाँ पर हम फाइनली इरेजर वाला आइकॉन में आ गया हूँ। हार्डनेस को कम करेंगे, ऑपोजिटिस को कम करेंगे, साइज को छोटा करके यहाँ से थोड़ा सा इरेज करके यहाँ से हम कर देंगे सीधा सा डन। तो यहाँ से डन करने के बाद हम जाएंगे फिर से ऐड फोटो में। तो देखिए, यहाँ पर ऐड फोटो में आ गया हो। तो अभी हम लेंगे ये वाला पीएनजी जो कि टेबल का पीएनजी है, इस पीएनजी को हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद हम यहाँ से कर देंगे सीधा सा डन। तो गाइस, यहाँ पर डन करने के बाद हम जाएंगे फिर से ऐड फोटो में। यहाँ पर ऐड फोटो में आने के बाद हम लेंगे एक पीएनजी जो कि ये वाला पीएनजी है, बोतल का पीएनजी है और ग्लास का पीएनजी है। ये दोनों पीएनजी हम लेंगे। ये दोनों पीएनजी एक साथ फिक्स है, आप डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करके अपने फ़ोटो में भी ऐड कर सकते हो। तो अभी हम इस पीएनजी को यहाँ पर ऐड करेंगे, थोड़ा मिडिल में ले जाता हूँ उसको अभी। ठीक है, अभी हम इसे यहाँ पर कर देंगे सीधा से डन। यहाँ से डन करने के बाद हम यहाँ से जाएंगे सीधा ड्रॉ टूल्स में एंड इस पिक को अपनी गैलरी में सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम जाएंगे सीधा लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो बस फाइनली यहाँ पर लाइटरूम एप्लीकेशन में हमारा फोटो जो है ऐड हो गया है। तो अभी आपको जाना पड़ेगा यहाँ से। यहाँ पर मैंने लोगो भी लगा दिया है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है, देखिए। तो अभी हम जाएंगे लाइट वाला ऑप्शन में, एक्सक्रोस को थोड़ा सा कम कर लेंगे, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा कम कर लेंगे, उसके बाद हाईलाइट को हाई कर लेंगे एंड शेडोज़ को यहाँ से हाई कर लेंगे। व्हाइट को यहाँ पर थोड़ा सा हाई कर लेते हैं। व्हाइट को हाई करने के बाद हम यहाँ से ब्लैक को थोड़ा सा लो कर लेंगे। ब्लैक को हमेशा लो रखना, बहुत ही अच्छा लुक देता है अपने फ़ोटो में। तो अभी हम जाएंगे टेम्परेचर वाला ऑप्शन में। यहाँ से हम लेंगे कस्टम वाला ऑप्शन। यहाँ पर हम जाएंगे मिक्स वाला ऑप्शन में। देन हम जाएंगे गुलाबी कलर का ऑप्शन में। यहाँ पर सेचुरेशन लो करेंगे, लुमिनियस हाई कर लेंगे। देन हम यहाँ से जाएंगे येलो कलर का ऑप्शन में, सेचुरेशन एकदम लो कर देंगे, ह्यू को लो करेंगे एंड लुमिनियस को थोड़ा सा हाई कर लेंगे। देन हम जाएंगे लाइट ब्लू कलर का ऑप्शन में। लाइट ब्लू कलर का ऑप्शन का ह्यू को थोड़ा सा लो कर देंगे, सेचुरेशन लो कर देंगे एंड लुमिनियस को हाई कर देंगे।
उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर स्काई कलर के ऑप्शन में, ह्यू को हाई कर लेते हैं, यहाँ पर सैचुरेशन को हाई कर लेंगे, उसके बाद हम लुमिनियस को भी यहाँ पर थोड़ा सा हाई कर लेंगे। उसके बाद हम जाएंगे डार्क ब्लू कलर के ऑप्शन में, यहाँ पर हम ह्यू को लो कर लेंगे, सैचुरेशन यहाँ पर हाई कर लेंगे, उसके बाद हम लुमिनियस भी यहाँ पर हाई कर लेंगे। देन हम जाएंगे पिंक कलर का ऑप्शन में, ह्यू को हाई कर लेंगे, ह्यू को हाई करने के बाद हम सैचुरेशन को भी हाई कर लेंगे एंड लुमिनियस को भी यहाँ पर हाई कर लेंगे। हाई करने के बाद हम कर देंगे यहाँ से सीधा सा डन। डन करने के बाद यहाँ पर सैचुरेशन -6 रखेंगे, वाइब्रेशन यहाँ पर -4 रखेंगे। रखने के बाद हम जाएंगे ट्राइंगल वाला ऑप्शन में, ट्राइंगल वाला का जो ऑप्शन है ये वाला शार्पनेस जो है, शार्पनेस को हम यहाँ पर रखेंगे 54। रखने के बाद हम मार्किंग को यहाँ पर रखेंगे 35। तो बस यहाँ पर मार्किंग 36 हो गया, कोई बात नहीं, एक ज़्यादा हुआ तो कोई बात नहीं। अभी हम नॉइस रिगोडेशन को रखेंगे यहाँ पर 20 एंड कलर नॉइस को यहाँ पर रखेंगे हम, कलर नॉइस को हम यहाँ पर रखते हैं 15, ठीक होगा। तो 15 रखने के बाद हम जाएंगे सर्कल वाला ऑप्शन में, यहाँ पर हम क्लियरिटी को रखेंगे 16। देन हम बिगनेट को यहाँ पर थोड़ा सा लो कर देंगे -10। उसके बाद हम यहाँ पर ग्रेन अमाउंट को रखेंगे 4। तो यहाँ पर 4 रखने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही अच्छा लुक यहाँ पर आ गया है। तो फाइनली यहाँ पर कम्प्लीटली एडिटिंग हो गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही अच्छा एडिटिंग हो गया है। आई होप कि आज का एडिटिंग आपको बहुत ही अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को कर दीजिए एक छोटा सा लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और डिस्क्रिप्शन में बैकग्राउंड पीएनजी सब कुछ मिल जाएगा, तो जाओ डाउनलोड करो और फोटो एडिटिंग करो। फोटो एडिटिंग करके मुझे इंस्टाग्राम में ज़रूर टैग करना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इससे भी धमाकेदार एडिटिंग के साथ। तब तक के लिए बाय।